पलसूद वैक्सीनेशन को लेकर शासन प्रशासन द्वारा किए जा रहे बड़े बड़े दावों के बीच जिले के पलसूद में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां 8 माह पहले मृत हो चुके व्यक्ति को 8 माह बाद यानी कि 8 दिसंबर 2021 को वैक्सीन का दूसरा डोज लगाना बताया गया। मृतक के बेटे रोहित राठौड़ ने बताया कि उनके पिता देवीलाल राठौड़ को 5 अप्रैल को वैक्सीन का पहला डोज लगवाया गया था। उसके बाद उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें जिला अस्पताल बड़वानी में भर्ती कराया गया था, लेकिन 9 अप्रैल को उनका निधन हो गया। कल 8 दिसंबर को मोबाइल पर पिताजी के दोनों डोज पूर्ण होने का मैसेज प्राप्त हुआ तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन सर्टिफिकेट डाउनलोड किया तो सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो गया। उसमें पहला डोज 5 अप्रैल और दूसरा डोज 8 दिसंबर को लगाना बताया गया। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह कितनी बड़ी लापरवाही है और टारगेट पूर्ण करने के चक्कर में कर्मचारी मुर्दों को भी कोरोना वैक्सीन के डोज लगा रहे। अब जिला अधिकारी इस मामले में क्या करते हैं यह देखना होगा। इस संबंध में राजपुर BMO MS सिसोदिया से बात की तो उनका कहना है इस प्रकार की शिकायत मिली है, उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया है, साथ ही पोर्टल अपडेशन और एक ही मोबाइल से रजिस्ट्रेशन के कारण मैसेज आया होगा। साथ ही कहा कि शिकायत को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया गया है, जो भी होगा वहीं से होगा। मेरे पिताजी की तो मृत्यु हो चुकी है, उनका पहला वैक्सीनेशन मतलब जो पहला डोज है वो 5 अप्रैल को लगा हुआ है और उसके बाद 9 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो चुकी है 4 दिन बाद। तो मृत्यु होने के बाद मतलब अभी कल भैया के मोबाइल पर उनका मैसेज आया कि आपका सेकंड डोज कंप्लीट हो चुका है, मतलब लग चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आया और मैंने PDF भी जनरेट किया उसका मूल प्रति जो वैक्सीन सर्टिफिकेट की, तो मतलब वो जारी कर दिया है। तो दूसरा सर्टिफिकेट कैसे जारी हुआ, मृत्यु होने के बाद निकाला उसका जो सर्टिफिकेट है उसमें मतलब जो लोकेशन है जहाँ पर लगाया गया है वहाँ दिखा रहा है कि गर्ल्स हाई स्कूल राजपुर नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट बड़वानी का बता रहा है। सेकंड डोज कैसा लग चुका है, सिस्टम की लापरवाही है तरीके से, तो इस पर मतलब कार्रवाई करना चाहिए, आला अधिकारी पर कार्रवाई करके जांच होना चाहिए इसकी, ये ऐसा कैसे हो रहा है। तो इस संबंध में हमने वरिष्ठ हमारे जो अधिकारी उनसे भी जिले पे बात करी, उनके द्वारा बताया गया है कि ये जो पोर्टल की वजह से कुछ उसमें दिक्कतें आ रही है, ये बात आ रही है। कोई अपडेशन का कार्य चल रहा है, जो अभी हमने जो लिस्ट जो हमको मिली है उसमें से हमने अभी सब सर्वे भी कराया है, उसमें कई प्रकार के सर्वे हुए, डेथ का सर्वे हुआ है, माइग्रेशन का हुआ है और हमारा जो नहीं लगा रहे से, तो इसमें कहीं ना कहीं एंट्री में हो सकता है या फिर एक ही मोबाइल से 4-4 लोगों के भी हम लोगों ने डोज लगे हुए हैं उसमें, तो उसको पोर्टल से एंट्री करी हुई है, तो हो सकता है कि एक के मैसेज किसी का भी 4 में से 1 का भी तो मैसेज आ जाता होगा, ऐसा कुछ बता रहे।